मैंने आपको 9th क्लास के बच्चों को मैंने रियल नंबर में मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था। मैंने बताया था कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। पहले के बारे में मैंने पहले तो वीडियो में डिस्कस कर लिया है, अब मैं आज आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है? हमारी इरेशनल नंबर, जिसे परिमेय संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारी जो इरेशनल नंबर होगी, जो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, उसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी उसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, √2, √3, √15, इस टाइप की कोई भी संख्या है, क्या है हमारी, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या लिखी हुई है, तो उसका वर्गमूल कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। उसके उसका वर्गमूल क्या होता है? हमेशा परिमेय संख्या होता है। उसका वर्गमूल हमेशा क्या होता है हमारा? परिमेय संख्या होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे √4 लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हो, अगर प्लस माइनस √4 आ जाता है उसका रिजल्टेंट, तो ये क्या है हमारा, अपरिमेय है कि परिमेय? परिमेय है यहाँ पे। ठीक है, √9 प्लस माइनस 3 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी क्या हो गया हमारा, परिमेय हो गया। √64/81 प्लस माइनस 8/9, ये भी क्या है हमारा, परिमेय है। जितने भी हमारे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारी, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या कहलाती है हमारी, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। और इनका वर्गमूल आसानी से आ जाता है निकल के, ठीक है, इनका वर्गमूल जो भी, ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हुई है हमारी, इनका वर्गमूल दशमलव में नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनका वर्गमूल दशमलव में नहीं आता है पूर्ण वर्ग संख्याओं का। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है, इनका वर्गमूल क्या होता है, परिमेय होता है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? वह संख्या जो पूर्ण वर्ग, वह उस संख्याओं का वर्गमूल होता है जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। ठीक है बेटा, समझ में आया, इसको ध्यान रखिएगा, इस बिल्कुल याद रखिएगा बिल्कुल, कि जहाँ पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल मिल जाए, फट से बता दूंगी आप क्या है, वो परिमेय है। जहाँ पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल है, अब पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल नहीं है, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है तो क्या करेंगे, फट से अपरिमेय संख्या लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ कि परिमेय संख्याओं को कैसे पहचानना, और जैसे पहले योग में लिखा हो, अंतर में लिखा हो, तो हम कैसे बताएंगे कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, गुणे में कोई संख्या लिखी हुई है तो हम कैसे बताएंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। जैसे आप कोई भी अपरिमेय अपरिमेय जो संख्याओं को जोड़ देते हो, अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ देते हो, तो याद रखिएगा ये हमेशा क्या होगी, अपरिमेय ही होगी। ठीक है, कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ो, √2 प्लस √3 अपरिमेय, क्या है ये, अपरिमेय। इसी प्रकार आप √5 प्लस √7 क्या आएगा, अपरिमेय। कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा उसका ऐड क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और यदि एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ते हैं तब भी अपरिमेय संख्याएं आएंगी, क्या आएंगी हमेशा, ये अपरिमेय संख्याएं आएंगी। ध्यान रखिएगा, जैसे 2 प्लस √3 आएगा, जोड़ेंगे क्या लिखेंगे, फट से आप अपरिमेय ही लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कौन संख्या होगी हमारी, ये कौन संख्या होगी, अपरिमेय होगी। ये भी क्या होगी हमारी, अपरिमेय होगी। ये भी क्या होगी हमारी, अपरिमेय होगी। ठीक है, ऐसे हम डिफरेंस में देखते हैं, अगर हम डिफरेंस लेते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं, तो अपने समझोगे कि ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा ये, अपरिमेय। बट ध्यान दीजिए, अगर मैंने लिख दिया √2 - √2, मैंने लिख दिया आपको √2 - √2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। जीरो क्या होता है हमारा, अपरिमेय होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अपरिमेय संख्याओं में, ठीक है, अगर उसका रिजल्टेंट जीरो आ जाता है तो क्या होगा, वो परिमेय होता है। अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं आ रहा है तो क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, डिफरेंस में। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक परिमेय ले लेते हैं और अपरिमेय ले लेते हैं, और उनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, हमेशा हमेशा ये अपरिमेय ही होगा, कुछ भी अपरिमेय।
दो माइनस अंडर रूट तीन अपरिमेय, पांच माइनस अंडर रूट सात अपरिमेय, अंडर रूट पांच माइनस तीन अपरिमेय, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन संख्याएं होंगी ये? अपरिमेय होंगी। अब अगर मैं गुणा की बात करता हूं तो एक परिमेय यदि अपरिमेय के साथ गुणा हो जाता है तो क्या आता है? अपरिमेय ही आता है। क्या आता है आपका? अपरिमेय ही आता है। जैसे लिखा है दो परिमेय है आपका, अगर उसके साथ मैं अंडर रूट फाइव का गुणा करता हूँ तो क्या जाता है? दो अंडर रूट पांच। क्या जाता है? दो अंडर रूट पांच। और ये क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है ये? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यदि परिमेय परिमेय दो अपरिमेय परिमेय संख्याओं को गुणा किया मैंने, इसे अंडर रूट टू लिखा और उसका मल्टीप्लाई किया अंडर रूट थ्री से, तो ये डिफरेंस अंतर में से क्या आ जाएगा? अंडर रूट सिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट सिक्स। तो ये भी क्या है हमारा? अपरिमेय। क्या है ये हमारा? अपरिमेय। ठीक है, बट अगर मैं अंडर रूट टू और अंडर रूट टू का गुणा करता हूँ, ठीक है, दो सेम अपरिमेय संख्या ले, दो समान अपरिमेय संख्या ले, इनका गुणा किया तो मैंने क्या आ गया? अंडर रूट फोर आ गया। अंडर रूट फोर को क्या ले सकते हो आप? प्लस माइनस दो बटे एक आ गया हमारा परिमेय आ गया। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसको नोट करिए। प्यारे बच्चों, और मेरा इसमें अगला पॉइंट है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत अनुशानी दशमलव प्रसार होता है। और अशांत दशमलव प्रसार के दो टाइप्स होते हैं, एक अशांत आवृत्ति होती है और एक अशांत अनावृत्ति होती है। तो इसके बारे में आपको मैं डिस्कस करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन संख्या का अशांत दशमलव प्रसार होता है, कौन संख्या का अशांत आवृत्ति होती है, कौन संख्या की अशांत अनावृत्ति होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, नोट करिए इसको। जैसे पहला दशमलव प्रसार है हमारा शांत दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार जो होता है ये परिमेय संख्याएं होती हैं, और बेसिकली क्या होती हैं? ये परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में होती हैं, इसकी क्या होती है? जो पी होता है वो क्यू से दशमलव के कुछ स्थान बाद क्या होता है? पूर्णतया विभाजित हो जाता है। पी जो है वो क्यू से दशमलव के कुछ स्थान बाद पूर्णतया विभाजित हो जाता है। इसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 2.35 शांत हो गया कुछ समय बाद दशमलव के कुछ स्थान बाद, यहाँ भी देखें 4.75 ये भी दशमलव के कुछ स्थान बाद शांत हो गया। ठीक है, 2.3 तो ये भी क्या हो गया हमारा? इस टाइप के जो भी दशमलव लिखे प्रसार लिखे होते हैं सब क्या कहलाते हैं हमारे? शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। इसमें मैंने आपको ये बताया कि ये परिमेय संख्याएं होती है तो पी बटे क्यू के रूप में होती है। जो क्यू का गुणनखंड होता है वो 2 और 5 के 2 की घात या 5 की घात एम के रूप में होता है, अर्थात वह 2 और 5 उसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है, 2 आता है 5 आता है। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आती है तो वो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है तो वो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। जैसे 3/20 लिखा हुआ है तो मैंने भाग करके देखा तो ये शांत हो गया कुछ दिन बाद, वो 3 क्या है 20 से पूर्णतया कट गया, 3 20 से क्या हो गया 2 अंक बाद पूर्णतया कट गया और रिजल्टेंट हमारा 0.15 आ गया। अब यहाँ देखिए जब 20 का मैंने गुणनखंड किया तो ये 2×2×5 के रूप में आया, मतलब 2n/5 m के रूप में आया। तो ये यहाँ से हमारा दोनों नियम फॉलो कर रहा है, देखो ये शांत हो जा रहा है कुछ दिन बाद, पी क्यू से कुछ स्थान बाद पूर्णतया कट जा रहा है, और जब इसका गुणनखंड किया मैंने तो ये देखो 2×5 m के रूप में आ रहा है। इसका अर्थात क्या हुआ? ये हमें चेक, अगर हम बगैर भाग दिए भी पूर्णतया चेक कर सकते हैं कि कोई दशमलव प्रसार शांत कैसे होगा, कैसे होगा उसका हम जो भी हमारा हर लिखा हुआ है उसका गुणनखंड करेंगे और उस गुणनखंड पे देखेंगे कि गुणनखंड में 2 आ रहा है 5 आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, बट 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आ रही है तो वह शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आती है तो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। ओके, नोट करिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पे 2/15 अब 15 का हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे 3 और 5 आ रहा है,
तो ये 2 की घात m 2 5 की घात m के रूप में नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा। कौन सा प्रसार होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, समझ में आया ना? बस एक ध्यान रखिएगा कि गुणनखंड करके भी हम नीचे हर का गुणनखंड करके भी पता लगा सकते हैं कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आ रही है, ठीक है, तो अकेला भी आ सकता है, 5 भी अकेला हो सकता है, 2 और 5 साथ में हो सकते हैं। अगर कोई तीसरी संख्या नहीं आ रही तो शांत होगा, अगर कोई तीसरी संख्या आ रही है तो शांत नहीं होगा। ओके, चलिए दूसरा दशमलव प्रसार है हमारा अशांत दशमलव प्रसार। इसमें मैंने अशांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार में बताया था मैंने कि दशमलव के कुछ स्थान बाद हमारा अंक शांत हो जाता है। शांत मतलब क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे दशमलव कभी खत्म नहीं होता है, अशांत दशमलव प्रसार में दशमलव कभी भी खत्म नहीं होता, अनंत तक जाता है, ठीक है। अर्थात अभी जैसे पहला मैंने बताया अशांत आवृत्ति जो होगी, अशांत आवृत्ति भी क्या होगी? हमारी एक परिमेय संख्या होगी, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है बड़े आराम से, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या होगी। और ये जो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा, इसमें किसी एक अंक या एक से अधिक अंक की आवृत्ति लगातार होती, मतलब बार बार आता रहता है, कितनी बार 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 संख्या आएगी तो क्या करेगा हमारा अशांत आवृत्ति होगी। जैसे लिखा हुआ 2.33333333333 कितनी बार? अनंत बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट रूप में 2.3 के ऊपर बार, मतलब जो जिस संख्या की आवृत्ति हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा के भी लिख सकते हैं। जिस अंक या संख्या की आवृत्ति हो रही है उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? लिख सकते हैं बार लगा के भी लिख सकते हैं। जैसे 2.35355 लिखा हुआ तो इसको भी लिख सकते हैं 2.35। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है हमारा? अशांत आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? अशांत आवृत्ति। अब मैंने बताया था कि भाई दशमलव प्रसार में परिमेय संख्याओं के 2 दशमलव प्रसार हो गए, एक शांत हो गया और एक क्या है हमारा? अशांत आवृत्ति हो गया। परिमेय संख्याओं के 2 दशमलव प्रसार मैंने बता दिए, एक कौन सा हो गया? अशांत और आवृत्ति, और एक क्या हो गया हमारा? शांत हो गया। और शांत में मैंने बताया था क्यू का गुणनखंड जो हमारा हर का गुणनखंड किस रूप में होता है? 2 की घात या 5 की घात m के रूप में होता है। मैंने बताया था कि 2 आए या 5 आए या 2 या 5 दोनों आए और कोई तीसरी संख्या ना आए तो क्या कहलाएगी हमारी? वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। उसका प्रसार दशमलव प्रसार कैसा होगा हमारा? शांत। पर अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार हम आंख बंद करके बता देंगे क्या होगा हमारा? अशांत आवृत्ति होगा। कंफर्म रहेगा, देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोई संख्या 5/26, 26 का गुणनखंड क्या आया हमारा? 2 और 13 आ गया, 2 के साथ क्या आ गया? 13 आ गया। तो इसको हम फट से लिख देंगे क्या है हमारा? अशांत आवृत्ति। ओके, क्लियर, देख कर बता सकते हैं। दूसरा दशमलव अशांत दशमलव प्रसार का दूसरा पार्ट है हमारा अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति में किसी भी संख्या की आवृत्ति या किसी भी अंक की आवृत्ति बार बार हो रही थी, पर जो अशांत अनावृत्ति होगी उसमें भी किसी अंक की आवृत्ति लगातार नहीं होगी, कोई भी संख्या लगातार नहीं आएगी, कोई भी संख्या बार बार नहीं आएगी। उस प्रकार का दशमलव प्रसार किस संख्या का होता है? अपरिमेय संख्या का होता है। किस संख्या का होता है हमारा? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। और इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख भी नहीं सकते, इसे भी जब यह परिमेय संख्या होगी तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा भी नहीं सकता, तो क्यू के गुणनखंड से कोई मतलब भी नहीं होगा हमारा, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं। और ये कैसा, किसका दशमलव प्रसार होगा? अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा, और इसमें किसी भी अंक या संख्या की आवृत्ति लगातार नहीं होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अपन 2.33567 देखो, इसमें किसी भी संख्या की लगातार, कोई भी संख्या लगातार आ रही नहीं आ रही है। यहाँ देखिए नीचे 4.101001001, फिर 2 जीरो आ जा रहा है, फिर 3 जीरो आ जा रहा है, फिर 4 जीरो आ जा रहा है, फिर इसके बाद 1 आ रहा है, तो यहाँ भी कोई संख्या लगातार नहीं आ रही है। और इस टाइप का जो भी दशमलव प्रसार है हमारा क्या कहला रहा है? हमारा अशांत अनावृत्ति हो रही है। तो दशमलव प्रसार मैंने आपको बता दिया 3 टाइप्स के होते हैं। एक बार देखिए पहले कौन सा होता है हमारा? 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। पहला होता है हमारा शांत, शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के रूप में होता है, ठीक है। इसमें पी उस दशमलव के स्थान बाद क्यू को क्यू से विभाजित हो जाता है, क्यू से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है और संख्या पूर्णतया कट जाती है, दशमलव अनंत तक नहीं जाता, कुछ दिन बाद शांत हो जाता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि उसका गुणनखंड किस रूप में होता है? 2 की घात n 2 5 की घात m के रूप में। तो देव कर दे बगैर भाग के भी हम देख कर बता सकते हैं कि संख्या ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवृत्ति, ठीक है।
वैसे तो देखकर बता सकते हैं, क्यों बता कैसे बता सकते हैं कि जो क्यू का गुणनखंड है उसमें दो दो और पाँच के अलावा कोई तीसरी संख्या आ रही है तो अशांत आवृत्ति हो रही है, और दो और पाँच केवल आ रहा है तो क्या होगा, वो शांत दशमलव प्रसार हो रहा है, क्या हो रहा है, शांत दशमलव प्रसार हो रहा है। तीसरे जो टाइप से वो हमारा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है, तीसरा जो टाइप से हमारा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है उसमें किसी भी संख्या की आवृत्ति नहीं होती है। इसको बेसिकली ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक मैं यहीं खत्म करता हूँ, और बाकी मैं नेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आप बताऊँगा। धन्यवाद।